प्रधानमंत्री जी, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो कुछ कहना है मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा। मैं चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। चर्चा का उत्तर मेरे सहयोगी मित्र श्री शरद यादव देंगे। मैं एक दो मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए आपका समय ले रहा हूँ। जैसा कि सदन को विदित है, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष गन्ने का सांवैधानिक न्यूनतम मूल्य स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस निर्धारित किया जाता है। यह वह न्यूनतम मूल्य है जिससे कम पर कोई भी चीनी मिल गन्ना किसानों से गन्ना नहीं खरीद सकती है। चीनी मिलें परस्पर सहमति से किसानों को इससे अधिक मूल्य दे सकती हैं और देती भी रही हैं। इस वर्ष केंद्र सरकार ने गन्ने का सांवैधानिक न्यूनतम मूल्य 6.5% की रिकवरी के स्तर पर 64.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। चूँकि सांवैधानिक न्यूनतम मूल्य मूल रिकवरी से जुड़ा है, इसलिए जिन चीनी मिलों में अच्छी रिकवरी है वहाँ के किसानों के लिए सामाजिक न्यूनतम मूल्य भी अधिक निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में औसतन सामाजिक न्यूनतम मूल्य लगभग 74 रुपये प्रति क्विंटल है। हमने गन्ना किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्हें राहत पहुंचाने के लिए ये निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार सामाजिक न्यूनतम मूल्यों में 5 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करेगी, जो सभी प्रदेशों में लागू होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गन्ना किसानों को राहत देने के लिए कुछ उपयुक्त कदम उठाए हैं। वह क्रय कर परचेज टैक्स, गन्ना सोसाइटीज के कमीशन एवं चीनी पर प्रवेश कर में कुल 4 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना के समतुल्य अनुदान व छूट दे रही है। प्रदेश सरकार इस उद्देश्य के साथ चीनी मिलों को यह अनुदान व छूट दे रही है कि वे ये 4 रुपये किसानों को दिए जा रहे गन्ना मूल्य में शामिल कर भुगतान करेंगी। इस तरह उत्तर प्रदेश को गन्ना किसानों के लिए कुल मिलाकर 9 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी उपलब्ध होगी। हम सभी जानते हैं कि गन्ना किसानों की खुशहाली चीनी उद्योग के विकास से जुड़ी है। उस उद्योग के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिलता है। अतः जरूरी है कि हम चीनी उद्योग को स्वस्थ रखें। चूँकि चीनी उद्योग कठिनाई में है, हमें ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है कि मौजूदा संकट शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो। हाल के महीनों में चीनी के दामों में काफ़ी कमी आई है। इसका एक कारण यह है कि कई चीनी मिलों ने भारत सरकार द्वारा जारी कोटे के अतिरिक्त न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से चीनी रिलीज करने के आदेश प्राप्त किए हैं। इससे बाजार में चीनी की आपूर्ति बढ़ी है और मूल्यों में गिरावट आई है। इन परिस्थितियों में वर्तमान रिलीज प्रणाली को जारी रखने का प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि चीनी की रिलीज प्रणाली को जारी रखते हुए चीनी के बाजार मूल्यों में पुनः स्थिरता कायम करने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे। जैसा कि खाद्य मंत्री ने बताया है, केंद्र सरकार ने 20 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने का भी निर्णय लिया है। इससे 786 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था होगी, जिसका गन्ना किसानों को उनके गन्ना मूल्य के बकाया की अदायगी करने में उपयोग किया जाएगा। मैं समझता हूं कि उपरोक्त कार्रवाई के फलस्वरूप गन्ना किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी और चीनी उद्योग की परिस्थितियों में सुधार होगा। श्री महबूब जाहिदी,